हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू खबर बॉलीवुड। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म बेटा फैंस को आज भी बेहद पसंद है। ईयर 1992 में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में से एक बेटा ने माधुरी को रातों रात सनसनी बना दिया था। फिल्म में उनका धक धक करने लगा क्लासिक कल्ट बनकर उभरा था। इस गाने में माधुरी दीक्षित के डांस मूव से लेकर उनके लुक तक फैंस को खूब पसंद आए थे। मगर क्या आपको पता है कि माधुरी दीक्षित इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म बेटा 90 के दशक की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को इंडस्ट्री में पहचान दिलाने में मदद की थी। इसी फिल्म के गाने से माधुरी को धक धक गर्ल का टैग मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में इस फिल्म का निर्माण बोनी कपूर कर रहे थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए उस समय की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी से इस फिल्म में अहम भूमिका निभाने के लिए कहा था, मगर किसी कारणवश अभिनेत्री ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। इसके बाद जब इंद्र कुमार ने तमिल फिल्म के रीमेक अधिकार खरीदे तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को चुना। वही फिल्म में नकारात्मक किरदार निभाने के लिए उन्होंने पहले वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा जैसी मशहूर अभिनेत्रियों से संपर्क किया, मगर उन्होंने फिल्म में खून खराबे को देखते हुए ठुकरा दिया। इसके बाद इंद्र कुमार ने अरुणा ईरानी से संपर्क किया इस रोल के लिए और वो इसे करने के लिए तैयार हो गई। ये उनके करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म बेटा 3 अप्रैल 1992 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरुणा ईरानी और अनुपम खेर जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 23.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये फिल्म 1987 में भाग्यराज निर्देशन में बनी तमिल फिल्म एंगा चित्रा रासा की रीमेक है। फ्रेंड्स, फॉर मोर अपडेट्स प्लीज टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक खबर बॉलीवुड। थैंक यू।